आप देख रहे हैं एमवे ऑनलाइन बिहार न्यूज। रखे सबसे आगे खबरें लगातार अपडेट। जिले के सिमरी प्रखंड को पंचायत चुनाव का कमान अंतिम चरण में दिया गया, जहां प्रत्याशी गर्मजोशी और हर्षोल्लास के साथ नामांकन कर रहे हैं। आज राजपुर कला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी कविता देवीपति राजेश यादव द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। वहीं इनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। अगर बात करें तो कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किए। समर्थकों के हुजूम को देखने से ये मालूम हो रहा था कि जनता बदलाव की तरफ रुख करेगी। जब मिर्जा ने सवाल किया तो क्या कहे, अभी आप नॉमिनेशन करके आए जी, किस पद के लिए? मुखिया के लिए। किस पंचायत से? राजपुर कला। जी, पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहे? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड। क्या 5 सालों में वर्तमान मुखिया के द्वारा कितना विकास किया? 5 साल में फाइलों में विकास हुआ है, जमीनी हकीकत पर विकास नहीं हुआ है। आज भी ऐसा गांव है, आज़ादी के बाद वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जनता? हम जनता के, हम 2016 में भी चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे, जनता के बीच में हम समय दिए, जनता के बीच रहे, सुख दुख में उनका काम किए, आगे भी करेंगे। और मेरा मुख्य शिक्षा है, स्वास्थ्य है। हम लोग का गांव में कोई भी 6 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, उसको बनाने के लिए हम काम करेंगे। जैसे हम लोग कुछ छोटा छोटा ठगनी का डेरा है, आज़ादी के बाद अभी तक मुख्य सड़क से वो गांव जुड़ा नहीं है, उसको भी जोड़ने का हम काम करेंगे। क्या लगता है जनता साथ कोशिश कर रही है? जनता साथ में है, आप देख लीजिए कर रही है। जरूर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चुनावी मैदान में बहुत सारे लोग टाट हो गए, कई प्रत्याशियों के द्वारा टाट हो गए। आपकी लड़ाई किससे हो सकती? किसी से नहीं है, जनता फैसला कर लिया है, जनता मन बना लिया है क्या करना है, जनता हमारे साथ है।